हमारे पास जो है ना ये एक ऐप बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है जी, ये एक ऐप बनी हुई है, इसमें फायरबेस का हमने डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है, रियल टाइम वाला किया हुआ है, और एडिट और डिलीट चारों काम किए हैं, क्रड ऑपरेशन पूरा। अब इसको हमने क्या करना है, फायरबेस पे अगर होस्ट करना है तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा काम है। मैं जाऊंगा फायरबेस के डैशबोर्ड पे अपने, और फायरबेस के डैशबोर्ड पे जाके यहाँ बिल्ड पे जाऊंगा, और यहाँ पे से मैं होस्टिंग पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यूआरएल देख लें, ये वही है, console.firebase.google.com, ये यूआरएल है। ये जैसे फायर स्टोर इसकी एक प्रोडक्ट है, ऐसी होस्टिंग भी है। गेट स्टार्टेड का बटन दबाया, इन्होंने कहा जी आप ना ये कमांड चला के ना फायरबेस के टूल्स अपने पास आप इंस्टॉल कर लें। अच्छा, फायरबेस के टूल्स इंस्टॉल करने के लिए ना देखो कमांड इसने क्या बोली है, कहा है npm install minus g firebase tool। अब ये npm क्या है, npm आपकी मशीन में अगर इंस्टॉल नहीं है तो पहले उसको इंस्टॉल करना होगा। ये बटन जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको Node.js की, सॉरी नहीं गलत आ गया, अलग से जाके लिख लेते हैं, गूगल पे जाके लिखा मैंने Node.js एंटर, और Node.js की वेबसाइट पे चला गया, और मुझे यहाँ पे से LTS वर्जन जो है ना इसको डाउनलोड कर लेना है मैंने, और डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट करूँगा इंस्टॉल हो जाएगा। विंडोज़ कंप्यूटर को सम टाइम इंस्टॉलेशन के बाद रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और मैक और लिनक्स को आमतौर पे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है इसको इंस्टॉल करने के बाद। अच्छा जी, तो मेरे पास 18.16.0 ये एक वर्जन है। अच्छा, जब ये हो जाएगा ना इंस्टॉल मेरे पास, तो उसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं आऊँगा टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे आके मैं मैं लिखूँगा भाई नॉट स्पेस माइनस वी, मुझे क्या बता दो, नॉट का वर्जन बता दो 18.16। आगे देखते हैं जी, 18.16 सही है, मेरे पास लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है तो मुझे इसको दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब ये इंस्टॉल होता है Node.js तो इसके साथ npm भी इंस्टॉल हो जाता है। npm क्या चीज़ है, Node पैकेज मैनेजर है, यानी कि Node.js का प्ले स्टोर है, ठीक है। अभी अब Node.js में प्ले स्टोर की क्यों ज़रूरत है ये इंशाल्लाह हम थोड़े दिनों में पढ़ेंगे, अभी इसको फ़िलहाल के लिए हम ऐसे ही समझ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये वाली कमांड चलानी है, ठीक है, npm install minus g firebase tools। अच्छा, लिनक्स पे अगर इसको चला रहे हैं कमांड को तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको sudo के साथ चलाना पड़ेगा, अदरवाइज इसको परमिशन का एरर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्लोबली इंस्टॉल करता है तो परमिशन इसको चाहिए होती है एक्स्ट्रा। तो जैसे ही मैं sudo के साथ कमांड चला के एंटर करूँगा, मुझसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मैंने टाइप किया तो स्क्रीन पे दिखता नहीं है टाइप होता हुआ, लेकिन वो हो रहा होता है टाइप, तो टाइप करके एंटर किया तो इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है मेरे पास। अभी पासवर्ड हम डालें, मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड जो एडमिन करके चला रहा हूँ ना sudo करके, वो पासवर्ड मांगता है, लेकिन ये सिर्फ लिनक्स पे या मैक के ऊपर, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आपको ये sudo लगाने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ में क्या होता है कि अगर सम टाइम इशू आ रहा है तो आप cmd को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो ना, तो ये वही sudo से वही काम हो रहा है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हुआ ये। अच्छा, ये हो रहा है इंस्टॉल, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा अब मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि जी नेक्स्ट स्टेप, अब अगला बता दो क्या है, अगला है जी फायरबेस लॉगिन। फायरबेस लॉगिन आप सब लोगों ने ये गिटहब में पुश वगैरह किया है तो उसमें आपको पता है कि टर्मिनल पे लॉगिन ये किस तरह से होता है। मैंने फायरबेस लॉगिन चलाया तो इसने मुझे कहा कि भाई अनेबल टू फेच रजिस्टर्ड मॉडर्न कॉन्फिग, हाँ, अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट CLI इमुलेटर सुइट यूजेज। बस मैंने एंटर किया तो ये क्या कह दिया इसने, ये ट्राई रनिंग विद sudo, इसको एक्सेस नहीं मिल रहा ना अगेन, तो ये फायरबेस लॉगिन ज़रा मैं sudo के साथ चलाता हूँ फिर, ठीक है, एक्सेस का इशू था। हाँ सही है, अब सही चल गया। अब मैंने इसको एंटर दबाया तो ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र पे इसने क्या खोला, एक वो लॉगिन का पेज खोला, इसी तरह खुलता है ना गिटहब में भी जब पुश करते हैं तो, वही है। मैंने अपना अकाउंट इसमें सेलेक्ट कर लिया गूगल का, सेम अकाउंट जो फायरबेस का है वो वाला अकाउंट है, कुछ परमिशन मांग रहा है ये, परमिशन इसको मैंने ग्रांट कर दिया और इसने बोला लॉगिन सक्सेसफुल। वापस मैं अपने पास आता हूँ इधर, कहाँ गया मेरा VS कोड, ये रहा, तो इसने बोला कि जी सक्सेसफुली लॉग्ड इन एज, और मेरा ईमेल लिखा हुआ आगे आ रहा है कि जी लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन करने के बाद क्या करना है जी अगला काम, ओए ये क्या किया मैंने। अच्छा, लॉगिन करने के बाद कह रहा है जी फायरबेस इनिट चला दें आप,
फायरबेस इनिट चला लेते हैं। मुझे ब्राउज़र चाहिए इस तरफ और कोड चाहिए इस तरफ, ठीक है जी। फायरबेस इनिट को भी मैं जो सूडो के साथ चलाना पड़ेगा क्योंकि ये भी फाइल एक क्रिएट करता है। अच्छा, आप नोट कीजिएगा कि जैसे ही ना मैं फायरबेस इनिट चलाता हूँ, ये मैंने गलत जगह फायरबेस इनिट चला दिया, ठीक है। फायरबेस इनिट अब आप गौर से देखें कहाँ चलाना है। फायरबेस इनिट आपको उस फोल्डर के अंदर चलाना है जो आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है। मेरे प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम इस वक्त है 31.firebase.crud, ठीक है। तो मैं cd करके मुझे पहले शायद ES6 में जाना पड़ेगा, 3.ES6 और cd 31, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ फायरबेस क्रड के फोल्डर में, ठीक है। फायरबेस क्रड के फोल्डर में अब मैं आ चुका हूँ, तो मुझे इस फोल्डर में आके ये काम करना है इनिट वाला, ठीक है। sudo firebase init, firebase init जैसे ही मैंने चलाया ना, आप देखें यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई है इसने, अभी ये दो फाइलें और बनाएगा। अच्छा, क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा है कि विच ऑफ द फायरबेस फीचर वुड यू लाइक टू सेट अप इन दिस डायरेक्ट्री। अब क्योंकि फायरबेस में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल इसकी सर्विसेज हैं, तो ये पूछ रहा है भाई कौन सा करें। अब आप देखें गौर से देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक एरो बना हुआ रहा है और चेक बॉक्सेस आ रहे हैं। मैं एरो अप और एरो डाउन से इसको चेंज कर रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, नोट कर रहे हैं आप। अच्छा, और इसको मैं लेकर कहाँ पे आऊँगा, मैं इसको लेकर आऊँगा होस्टिंग पर। मैंने अप किया, ये होस्टिंग पे आ गया, देखें आप, ठीक है। अच्छा, होस्टिंग पे भी मेरे पास ना दो ऑप्शन आते हैं। होस्टिंग पे आता है कि सेटअप गूगल गिटहब एक्शन और कन्फिगर फाइल्स, तो मुझे कन्फिगर फाइल वाला करना है, ठीक है। गिटहब एक्शन क्या चीज़ होता है, गिटहब एक्शन ये होता है कि गिटहब में पुश करेंगे ऑटोमेटिकली होस्ट कर देगा, बहुत ईजी है, लेकिन फिलहाल अभी मैं वो नहीं बता रहा, फिलहाल अभी मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ जो सिंपल वाला है, ठीक है। ये गिटहब एक्शंस को आप अलग से, मैंने बल्कि शायद लास्ट जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने ये बात भी डिस्कस की है, तो चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल अभी सीधा सीधा वाला तरीका, तो मैंने कौन सा सेलेक्ट करना है, कॉन्फिग फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग, ठीक है, एंड ऑप्शनली सेटअप गिटहब एक्शन। गिटहब एक्शन को ऑप्शनल रखना है मैंने। अच्छा, जब मैंने एरो डाउन और एरो अप करके सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्पेस दबाऊँगा मैं। स्पेस दबाने से देखो इसमें चेक लग गया। स्पेस दबाने के बाद अब मैं एंटर दबाऊंगा, सही है। मुझसे पूछ रहा है कि जी प्रोजेक्ट आप बताओ क्या है आपका, तो यूज़ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू। मैंने कहा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है मेरे पास, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे एंटर किया मैंने। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे एंटर करने के बाद इसने बोला भाई प्रोजेक्ट की आईडी आप मुझे बता दें। प्रोजेक्ट की आईडी कैसे मुझे मिलती है, यहाँ पे मैं URL में जाऊँगा ना, SMIT-B9 ये रखा था ना नाम मैंने, यही रखा था ना आईडी का नाम। अच्छा, यहाँ से अगर नहीं भी मिल रहा है मेरे पास, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, इसकी सेटिंग में जाऊँगा, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाऊँगा, और यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे मेंशन हो रही होती है कि जी ये प्रोजेक्ट आईडी है मेरी, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं इसको उठा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया, पेस्ट अलाउ डू नॉट आस्क अगेन, ये क्या हुआ यार, एक मिनट, मैं इसको कैंसिल करके दोबारा चला रहा हूँ, पता नहीं उसको पता क्यों नहीं चला। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट किया मैंने, और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट करने के बाद मैंने किया था यहाँ पे पेस्ट, अरे नहीं ये तो ये न्यू पे कर दिया मैंने इस दफ़ा, क्या कर रहा हूँ मैं, गड़बड़ कर रहा हूँ। यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, अब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में इसने बोला भाई आईडी पेस्ट करो, तो आईडी मैंने कॉपी तो की भी है ना, हाँ SMIT-B9 कॉपी किया हुआ है मैंने, इसको मैं ला के इधर पेस्ट करता हूँ। अच्छा, आप सही हो गया, पहले नहीं हुआ था, एंटर, सही हो गया जी। अब इसको समझ आ गया कि जी ये SMIT-B9 करके है। अब मुझसे ये क्या पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू यूज़ एज अ पब्लिक डायरेक्टरी। पब्लिक डायरेक्टरी वो होता है जिसमें मेरा index.html पड़ा होता है, तो मेरा index.html रूट पे पड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ./ और एंटर, कि यही फोल्डर है मेरा पब्लिक जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ अभी। कन्फिगर एज अ सिंगल पेज ऐप, री राइट ऑल URLs टू index.html। अब इसमें क्या होगा जी कि जो पेज मेरा, मिसाल के तौर पर किसी ने मेरा URL खोला और स्लैश उसमें लगा दिया profile.html जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसमें दो अप्रोच हो सकती है। एक तो ये कि 404 का एक पेज होगा बकायदा पूरा बना हुआ होगा, तो मैं उसको वो पेज दिखा दूंगा।
दूसरी अप्रोच ये होगी कि जब वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो मैं उसको घुमा के होम पेज पे ले आऊँगा। तो जो होम पेज पे लाने वाला है उसको हम कहते हैं सिंगल पेज ऐप। तो ये कह रहा है कि क्या आपको सिंगल पेज ऐप बनानी है कि जो चीज़ एग्जिस्ट ना करती है उसमें घूम के होम पे आ जाए। मैंने कहा यार हाँ ठीक है, बल्कि नो कर देता हूँ मैं। नो करने से क्या होगा कि वो 404 की एक अलग से फाइल तैयार कर देगा, ठीक है, हाँ खुद कर देगा, यहाँ पे बना देगा, ठीक है। नो कर देता हूँ मैं, क्योंकि यस में तो कुछ भी नहीं होगा, नो कर देता हूँ। चलो एंटर किया तो डिफ़ॉल्ट में नो था। सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड्स ऑन गिटहब, मैंने कहा ये भी नो, डिफ़ॉल्ट में नो है, इसको नो कर दिया मैंने। अच्छा, अब कह रहा है कि index.html के नाम से एक फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्या मैं उसको ओवरराइट करके ख़त्म कर दूँ, एक नई फ़ाइल बना दूँ उसकी जगह? तो मैंने बाई डिफ़ॉल्ट कहा मैंने नो। ये इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद मेरे प्रोजेक्ट में आप देखेंगे तो मेरे पास 1, 2, 3 और 4, ये 4 नई फाइलें बनी हैं, गिट, फायरबेस आरसी, फायरबेस जेसन, गिट इग्नोर और 404.html। 404 ये वो वाला पेज है जो उसने बना कर दिया है मुझे। 404 को देखो मैं ओपन करूँगा तो मुझे क्या दिखेगा, ये मेरा 404 का पेज है। इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको, तो इस तरह का कुछ पेज है ये। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको पूरे को रिमूव करके ना यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई दिस इज़ 404 पेज, सही है, पेज नॉट फाउंड, ऐसे मैंने इसको करके लगा दिया। क्या चक्कर हो गया इसके साथ, अच्छा तो मैंने उसको चेंज कर दिया जस्ट फॉर द सेक के मैं उसको जब चला के देखूँ तो मुझे पता चले एग्जैक्टली कि हाँ यार ये मेरा ही पेज आ रहा है, ये फायरबेस नहीं ला के दे रहा, तो इसलिए मैंने इसको नाम ना थोड़ा चेंज करके इसको अजीब सा कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो फायरबेस आरसी करके जो फाइल बनी है ना उसमें क्या है, मेरे प्रोजेक्ट की आईडी यहाँ पे आ गई है कि जी ये किधर भेजना है इसको, फायरबेस की आईडी आ गई है। फायरबेस डॉट जेसन के अंदर क्या आ गया है, वो जो इनिशियलाइजेशन के दौरान ना जो सवालात इसने मुझसे पूछे हैं कि भाई पब्लिक कौन सा है, मैंने कहा डॉट स्लैश यही वाला है, तो देखो वो यहाँ आके सेव हुआ है। तो इस तरह के जो भी सवालात इसने इनिशियलाइजेशन के दौरान पूछे हैं वो यहाँ है। अगर मैं सिंगल पेज बोलता तो उसकी एक की अलग से आती है, सिंगल पेज ट्रू ऐसे करके कुछ आ रहा होता। गिट इग्नोर क्या होता है कि जी कौन कौन सी फाइलों को github.com पे नहीं भेजना है, ठीक है, तो वो गिट इग्नोर भी इसने खुद बना दिया है, जिसकी ज़रूरत मेरे ख्याल है शायद नहीं थी लेकिन इसने बना दिया। अच्छा जी, तो यहाँ तक मेरा फायरबेस इनिट का काम तो हो गया। अब आगे मैंने क्या करना है, आगे मैं ज़रा वापस आऊँ ना, किधर था मैं, होस्टिंग पे था मैं, होस्टिंग पे मैंने गेट स्टार्टेड किया था, नेक्स्ट किया था, ये इनिशियलाइजेशन तक इसने मुझे बता दिया था। अब मैं करूँगा नेक्स्ट, नेक्स्ट पे इसने कहा भाई फायरबेस डिप्लॉय, फायरबेस डिप्लॉय यहाँ पे आके मैं जब चलाऊँगा ना तो ये क्या करेगा, ये सारी फाइलों को क्या बोल दिया इसने, अच्छा एक्सेस का इशू उसको दोबारा आ गया, पता नहीं क्यों आज एक्सेस का इशू दे रहा है। चलो सूडो करके चला देता हूँ मैं, सही है, डिप्लॉइंग टू SMIT9, ये सारी फाइलें इसने भेजी उधर और भेज के मुझे URL ला के दे देगा, ठीक है, प्रोजेक्ट का URL और होस्टिंग URL। देखो प्रोजेक्ट का URL मुझे इसने ये ला के दे दिया, मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा SMITB9.web.app। इसमें स्लैश लगा के मैं क्या लिख देता हूँ, profile.html, एंटर, तो मुझे ये 404 का मेरा पेज बना हुआ जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। मैं बैक करता हूँ तो वापस आ जाता है, इधर बुक जो भी ऐड करूँगा बुक क्या होगी, ऐड हो जाएगी, लेकिन ये अब कहाँ पर मौजूद है, ये फायरबेस होस्टिंग पे मौजूद है। मेरा जो लोकल फाइल थी उसमें ऐसे लिखा हुआ था फाइल, काम इसमें भी सारे हो रहे हैं, लेकिन ये वाली फाइल जो है अब जो होस्ट हो चुकी है, ये इंटरनेट पे बैठा हुआ कोई भी बंदा पूरी दुनिया में इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो फायरबेस होस्टिंग का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा यहाँ पे जब मैं करूँगा ना कंटिन्यू टू कंसोल, कंटिन्यू कंसोल पे ये मेरे पास ना देखो मुझे क्या दिखा रहा है। अब सबसे अच्छी बात जो है वो सुन लो, फायरबेस होस्टिंग की सबसे अच्छी बात ये है कि देखो ये ना मुझे दो डोमेन देता है, एक तो
ये भी क्लिक करूँगा तो वही खुलेगा, ये भी क्लिक करूँगा तो वही खुलेगा, और मुझे कस्टम डोमेन ऐड करने की फैसिलिटी देता है बगैर पैसों के। ठीक है, ऐड का बटन दबाऊँगा मैं, मेरे पास अच्छा डोमेन अलग से ख़रीदनी होगी, ये नहीं डोमेन नहीं फ्री में दे रहा है, डोमेन लगाना अलाउ कर रहा है। जैसे गिटहब पेजेस में आप अगर अपना डोमेन लगाएंगे ना कस्टम, जैसे मैं लगाऊंगा अभी air.sysborg.com, इस पर मैं अटैच करना चाह रहा हूँ, तो गिटहब पेजेस पे मुझे ये अलाउ नहीं करता, बोलता है भाई पहले पैसे दो, पेड वर्जन में होगा, फ्री में नहीं होगा। ये बोलता है कि फ्री में भी आप क्या कर सकते हो, कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हो, डोमेन अलग से ख़रीदना होता है, डोमेन इज़ जस्ट लाइक अ सिम कार्ड। ठीक है, फ़ोन तो कोई सा भी हो लेकिन सिम आपको, सिम का एक नंबर होता है, तो डोमेन की जो स्पेलिंग है ना वो जस्ट लाइक अ फ़ोन नंबर, वो आपको ख़रीदना होता है, और उसकी अवेलेबिलिटी जैसे facebook.com आप नहीं ख़रीद सकते, वो किसी ने पहले से लिया हुआ है, जैसे youtube.com वो आप नहीं ले सकते। ठीक है, इसी तरह sysborg.com पहले मेरे पास था, मैंने वो पे नहीं किया तो वो किसी और ने उठा लिया, वो अब क्योंकि जो रजिस्ट्रार के पास पड़ा होता है ना, तो मैंने रेंट पे नहीं किया तो वो उसने किसी और को दे दिया, और वो उठा के उसने $100 का लगा भी दिया कि भाई $100 में बेचूँगा मैं। ठीक है, तो अगर जैसे जैस की सिम है, टेलीनॉर की सिम है, आप कई दिनों तक उसको यूज़ नहीं करते, अगर उसमें बैलेंस नहीं डलवाते तो समटाइम वो सिम किसी और को इशू कर देता है जैस वाला, है ना। तो इस तरह का काम इसमें भी हो रहा होता है कि जी आप रेंट करते हैं डोमेन को, डोमेन आप जो बाय करते हैं ना या परचेज करते हैं, वो असल में परचेज नहीं होता, क्योंकि डोमेन के असल में कोई पैसे हैं नहीं, असल में पैसे हैं DNS के सर्वर को मेंटेन करने की। अगर तो मैं खुद का भी DNS लगा लूँ ना इधर, तो मुझे ₹0 में मिल जाएगा डोमेन, लेकिन जितने में मैं सर्वर लगाऊंगा उससे अच्छा मैं $100 पे कर दूं एक साल के लिए। एक साल तक मैं सर्वर चलाऊंगा तो पता नहीं कितने $100 का बिल आ जाएगा, है ना। तो बेहतर ये है कि $100 साल का पूरे मांग रहा है वो, पहले तो मैंने पता नहीं $4-5 में लिया था वो, हाँ तो वो मैंने 2-3 साल का एक साथ पे कर दिया था, तो वो 2-3 साल तक सही रहा, उसके बाद मैंने पलट के देखा ही नहीं उसको, फिर वो उन्होंने मैसेज मारा फिर रिलीज़ कर दिया उसको। वेल, तो जो भी डोमेन है ना मेरे पास, अगर मिसाल के तौर पर sysborg.com है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा और लिख के मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने पे मुझे ये क्या देगा, एक टैक्स रिकॉर्ड देगा मुझे ये, ठीक है, टैक्स रिकॉर्ड देगा और ए रिकॉर्ड देगा मुझे ये। ये टैक्स रिकॉर्ड मुझे जाके कहाँ पे ऐड कर देना है, जहाँ पे GoDaddy पे मैंने वो डोमेन ख़रीदा हुआ है ना, वहाँ पे जाके एक ऑप्शन आ रहा होता है, उधर जाके मैंने इसको ऐड करना होता है। ये ऐड करने के 6 घंटे के बाद, कभी अगर कोई बहुत अच्छा आपने, अगर क्लाउड फ्लेयर वगैरह का है वो तो फिर फ़ौरन हो जाता है, लेकिन GoDaddy वगैरह के केस में 4-6 घंटे लग जाते हैं कभी, तो 4-6 घंटे के बाद ना वो प्रोपेगेट हो जाता है पूरे पे, जब आप sysborg.com लिखेंगे तो इधर आएगा बिल्कुल। हाँ, इसी पे होस्ट हुआ था लेकिन अभी तो वो डोमेन मेरे हाथ से चला गया। ठीक है जी।